बाबरी विध्वंस मामले में बड़ा खुलासा। बाबरी ढांचे को योजनाबद्ध तरीके से गिराया गया। घटना से एक दिन पहले ही बन गई थी योजना। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बाबरी विध्वंस मामले के आरोपी पवन पांडे का, जिन्होंने एनडीटीवी को दिए अपने एक इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। पवन पांडे ने जो दावे किए हैं उसके मुताबिक बाबरी ढांचे को योजनाबद्ध तरीके से गिराया गया, जिसकी तैयारी कल्याण सिंह के सीएम बनने के बाद ही शुरू हो गई थी। और 6 दिसंबर को क्या होना था उसकी रणनीति बनाने के लिए 5 दिसंबर को एक बैठक बुलाई गई, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती और वीएचपी नेता अशोक सिंघल भी मौजूद थे। तब के शिवसेना नेता रहे पवन पांडे के मुताबिक कार सेवकों को ढांचा तोड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी। इतना ही नहीं, ढांचा कैसे तोड़ना है इसकी भी 2 जिलों में सैकड़ों कार सेवकों में पत्थर तोड़ने की खास ट्रेनिंग दी गई थी। अपने इंटरव्यू में पवन पांडे वेदांती महाराज के उस बयान से भी नाराज दिखे, जिसमें वेदांती महाराज ने कहा था कि अयोध्या में विवादित ढांचा आडवाणी और जोशी ने नहीं बल्कि उन्होंने तोड़वाया। पांडे के मुताबिक वेदांती ढांचा गिराने के दौरान वहां मौजूद थे ही नहीं। पवन पांडे ने अपने इंटरव्यू में कही बातों पर कायम रहने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि चूंकि अब तक उनकी बारी नहीं आई है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में कुछ नहीं कहा है, लेकिन जब उनकी बारी आएगी तब वो अपनी इन बातों को कोर्ट में भी दोहराएंगे। आपको बता दें कि बाबरी केस में मुख्य आरोपी में से एक पवन पांडे 1989 में आडवाणी की रथ यात्रा में शामिल थे। साल 1990 में कार सेवकों पर हुई फायरिंग में पवन पांडे बाल बाल बच गए। राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस के करीबी रह चुके पवन पांडे उनके साथ करीब 17 बार जेल भी जा चुके हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।